नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत हेडलाइंस। अफगानिस्तान रो फेरीगला अमेरिका, दुई दशंधिर मिशन परे सेना प्रत्याहार। काबुल एयरपोर्ट रु हटिले 4000 सैनिक। आसंताकाली देशवासी को संबोधन करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। अड़ुआरे पाद्री बजिंदर सिंह अंधविश्वास को प्रोत्साहन देउथिबा अभियोग। नाबालकों को व्यवहार करी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रो उल्लंघन। वायरल मीम परे उपरे एनसीपी सीआर रो कार्यानुष्ठान। 7 दिन में रिपोर्ट देबा को निर्देश। एबे भारत जपुछि रामकृष्ण। भारतीय संस्कृति विरोधींकर दबदबा बेले असम्मान होउथिला संस्कृति। मंदिर भगवान को कथा कहवा को पाउनथिले साहस। एबे किंतु आमर राम आमर कृष्ण। जन्माष्टमी रे मुख्यमंत्री जोगिंग का बयान। सुप्रीम कोर्ट विचारपति शपथ ग्रहण उत्सव। प्रथम थर पर सुप्रीम कोर्ट प्रेक्षालय ने शपथ। कोविड पर सर्वोच्च न्यायालय निष्पत्ति। आसंता 9 जज ने शपथ। गोल्डेन बॉय सुमित अंतिल को सह कथा हले प्रधानमंत्री मोदी। स्वर्ण सह विश्व रिकॉर्ड पाई जणाइले शुभेच्छा। कहिले देशर युवपीढ़ी को पाई प्रेरणा। टोकियो पैरालंपिक्स रे देश पाई आनिले द्वितीय स्वर्ण। कौन कहिबे मुख्य शासन सचिव। आज आसीपे सेप्टेम्बर मास पाई गाइडलाइन। पार्वण ऋतु को नजर रे रखी निया जाई पारे निष्पत्ति। सटडाउन और नाइट कर्फ्यू को नहीं घोषणा उपरे नजर। अंचल समस्या उठाइबारु चीकी उठिला बिजेडी सभा। मझीरु मंचरु उठिगले शक्ति मंत्री। रेल करिडर उद्घाटन कार्यक्रम में धस्ताधस्ती। शासक दल कर्मी हो हल्ला। राज्य रास्तार सरकारी मेडिसिन। कलाहांडीर दुर्गम अंचल आसला अपव्यवहार संगीन चित्र। लोकं देवा बदल में फिंगा होषध। तदंत कार्यानुष्ठान दावी कले स्थानीय बासिंदा। एथर संपूर्ण खबर। काबुल छाड़िला अमेरिका, दुई दशंधिर मिशन शेष। दीर्घ 20 वर्ष पर अफगानिस्तान रु अमेरिका सेनार चूड़ांत प्रत्याहार करनेछि। पूर्व निष्पत्ति अनुसार अगस्ट 31 सुधा संपूर्ण सेना प्रत्याहार करने को अमेरिका प्रतिश्रुति देइथिला। फलर अफगानिस्तान रे दीर्घ 2 दशंधि धरी चली मिशन रो परिसमाप्ति घटी। पूर्व विभिन्न पर्यायर सेना अमेरिका फेरी बेले 4000 सेना काबुल विमानंदर में मुतयन थे अमेरिकीय प्रशासन पक्षर कहला। काबुल विमानंदर सुरक्षा दायित्व में रही सेना अफगानिस्तान छाड़ा समस्त विदेशी नागरिक सुरक्षित तो स्वदेश फेर दायित्व में रही। रविवार सुधा मात्र आउ 1000 विदेशी नागरिक रही बेले सोमवार सुधा स्वदेश प्रत्यावर्तन करते। आज समस्त अमेरिकीय सेना निज देश को फेरी जा। बाबद अधिक सूचना हम सहित ऑनलाइन रे जोड़ी होती हम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती। गगन, वर्तमान बाकी जो सैनिक माने थिले अमेरिका ताको प्रत्याहार कर अफगानिस्तान रु ताले स्थिति कौन र देखो चिन्मयी जहाँ जो तालिबान अफगानिस्तान किसी सांबादिक मैंने ट्वीट कर 19 वर्ष 10 मास 25 दिन परे वर्तमान अमेरिका मुक्त होई अफगानिस्तान एवं तालिबान एवं अमेरिका मध्य जो गोटे दीर्घ 20 वर्ष धरी गोटे युद्ध चली गोटे कूटनैतिक हो राजनीतिक हो गोटे आतंकवादी विरोध संघर्ष हो युद्ध वर्तमान अंत घटी। तालिबान रो जो नेता मान रही थे काबुल एयरपोर्ट रे मध्य गोली फुटे गोटे स्वागत करते अमेरिका से उड़ान भरती कथा हूँ। बर्तमान अमेरिका मध्य सीधा साल कहले जो यूएस सेक्रेटरी आंटोनी रही आम कूटनीतिक उपस्थिति काबुल रो शेष करू कि दुहा कतार को बर्तमान आम यूज करू से सामरिक विमान आम उड़ाण भर जो मैंने अफगानिस्तान को चाहिए आसवाई सेठाक आसिकी उड़ाण भरी पारे। और लगातार भाव आम जो एजेन्सी सेठे कार्य करुला अफगानिस्तान से एजेन्सी आम कार्य जारी रहिबो। एनजीओ मानको जो आम फंडिंग दूसू हूं तो परवर्त पर्यायर आम से फंडिंग देवु कितु आम वेट एंड वाच पॉलिसी जारी रखिबू
किभली भाव से कार्य कर तेणु मोटामोटी भाव कह गले तिमय गोटे इनडायरेक्टली आम कही तालिबान को वर्तमान सरकार गठन करने गोटे सुजोग देला अमेरिका वर्तमान से किभली सरकार गठन कर शासन करापर वर्तमान अमेरिका वाच एंड वेट एंड वाच पॉलिसी अपनई तेणु ये निश्चित भाव आज लोक को अमेरिकावासी को संबोधन करेंगे जो बाइडेन जे रही किभली भाव संबोधन करट्राटेजी नौ अमेरिका हूं तो स्पीच रु जना पड़ पे कि कथा हूँ ये जो 17 दिन धरी इवाकुएट चली विभिन्न राष्ट्र निजर नागरिक मानू इवाकुएट करुले आहरी अनेक नागरिक चिन्मय फसिक रही चाहूंट आसवाई कितु जेहतु बर्तमान काबुल एयरपोर्ट जी कह सीधा सड़क अमेरिकार हस्तक्षेप था तेणु सबू राष्ट्र सुरक्षित भाव से नागरिक मानी पार्ले भारत अभी भी आहरी अनेक नागरिक से फसिक रही तेणु बर्तमान कंडीशन अप्लाय कौन करालिबान से कहीं जहां सूचना रोला निश्चित भाव 31 तारीख सुधा डेडलाइन रही सैन्य प्रत्याहार कर अमेरिका कितु आउ हे तो किसी दिन अमेरिका सैन्य से रही पाते अन्य जो राष्ट्र जो किसी लोक आहरी फसी रही हुए तो इवाकुएट कला पर्यंत अमेरिका वेट करता कि कथा हूँ डेडलाइन पूर्व जो अमेरिका से आसुची बेक करश्चित भाव कौट ना कौटि अमेरिकार जो पॉलिसी थी से पॉलिसी बर्तन कौट ना कौटि लोक जो आस्था विश्वास कौट ना कौट गोटे विभाजन कर भांगी तेणु बर्तमान परिस्थिति में तालिबान कौन स्टेप नौ केते फ्लाइट को उड़िया अनुमति दौंते क्यों देश को अनुमति दौंते कंडीशन कौन अप्लाई कर देखिए पूर्व से सीधा सड़क अनेक राष्ट्र जो नागरिक मैंने आसुले से विभिन्न स्थान में बैरिकेडिंग अटका जाता देश छाड़ी न जावाई कहुला कहीं जेकोसी जे सरकार गठन करी लोक न रे शासन से बर्तन निज देशर नागरिक मैंने रही चाहूना कहीं ना गोटे बर्बरता से जो कठोर नीति को फेस कर पूर्व तेणु से दृष्टि कहीं भी से सुरक्षित मणुना कि प्रतिश्रुति देखते बर्तन जे आम भल सरकार गठन करूँ महिला मानक सुजोग देवू पाठ पढ़ा कौन रोकटोक रही ना तेने बर्तन निज प्रतिश्रुति किभली अनुपालन करछन्ति किभली सरकार गठन करछन्ति अन्य पटे गोटे जो विद्रोह बनी सृष्टि किसी जगार से विद्रोह बनी को किभली भाव खोराक जोगाउछि अन्य राष्ट्र कहीं साहाय्य करुछन्ति कि नाही यदि विद्रोह करते तालिबान करेक गुड़े कूटनैतिक राजनीतिक इश्यू बर्तन से मुंड टेक चिन्मयी तेणु बर्तमान समस्ते जो वेट एंड वाच पॉलिसी नौकरी आग को जाकि भावार आवश्यकता रही तेणु अंपटे भारत स्ट्राटेजी नौ किभली भाव मिलित जातिसंघ रूप में प्रेसराइज करत काली राजनाथ सिंह जो भाव बयान देले तालिबान उपर आम पूरा नजर रखीचु अफगानिस्तान स्थिति उपर नजर रखीचु भारत उपर जदि कौनसी अंगुल निर्देश कराए आम कौन तेले मात्र भी सालिस करू ना कहीं जैसे मोहम्मद जो रही पाकिस्तान आतंकवादी संगठन से तालिबान सहित कौन आलोचना करी खबर प्रकाश पाई तेणु एभली स्थित को लेकिन निश्चित भाव भारत सतर्कता गोटे पटे वृद्धि करने सहित अंपटे कूटनैतिक संपर्क को दृढ़ कर आवश्यकता रही है निश्चित भाव में गगन बर्तमान समस्त नजर रे आगामी स्थित कौन आसमी कहले वाच एंड वेट पॉलिस को बर्तमान समस्त अपेक्षा कर बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना तालिबान गोष्ठी अफगानिस्तान राजधानी काबुल दखल करिबार दुई सप्ताह पर भारत को नहीं सबुठारु बड़ बयान देछन्ते यार अन्यतम मुख्य शेर मोहम्मद आवास स्टेनजई से कहिछन्ति जे तालिबान भारत सहित राजनैतिक वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाइबाकु चाहे उपमहादेश में गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउछि भारत सेतिपई भारत सह सुसंपर्क प्रतिष्ठा पई आग्रही तालिबान ए विषय सूचना देछंती तालिबान जड़े टॉप लीडर शेर मोहम्मद आवास अफगानिस्तान ने भारत चलाइथिबा प्रकल्प को संपूर्ण करू बोली तालिबान नो इच्छा भारत सहित शत्रुता पाई पाकिस्तान को अफगान माटी रे सुजोग देबनी तालिबान चिंतार खलनायक पाकिस्तान अफगानिस्तान परिस्थिति को नहीं वेट एंड वाच पॉलिसी ग्रहण करिछि भारत तालिबान गोष्ठी अफगानिस्तान राजधानी काबुल दखल करिवार दुई सप्ताह पर भारत को नहीं सबुठारु बड़ बयान देछन्ते यार अन्यतम मुख्य शेर मोहम्मद आवास स्टेनकेजे तालिबान ने निजक सामिल करने पूर्व भारत इंडियन मिलिटरी एकेडमी बा आईएमए रे तालीम नहीं मोहम्मद आवास कर एक बयान बेस गुरुत्वपूर्ण बोली चिंता करा जाउछि क्वातार दोहाटारे थिबा तालिबान मुख्य कार्यालय
उपमुख्य पदवीर अवस्थापित मोहम्मद आबास निकट एक वीडियो जारी करने सहित टीवी इंटरव्यू में समान कथा दोहराई तालिबान भारत सहित राजनैतिक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ावा को चाहे पाकिस्तान दे भारत और अफगानिस्तान मध्य सड़क पथ वाणिज्य चली आसवर तापुणी आरंभ करने सहित आकाश मार्ग मेंणिज्य कारबार पर आग्रही तालिबान यह व्यतीत भारत द्वारा ईरान ने व्यवहार बंदर निर्माण करा ईरान और अफगानिस्तान सह वाणिज्यिक संपर्क बढ़ावा उद्दिष्ट यह बंदर द्वारा भारत अफगानिस्तान सहित एणिक कारबार बढ़ावा इच्छा प्रकाश करते शेर मोहम्मद आबास भारत उपमहादेश एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति तेणु भारत सहित पूर्व भली विभिन्न क्षेत्र में संपर्क बढ़ावा तालिबान गुरुत्वपूर्ण यह व्यतीत चीन रूसिया ईरान और पाकिस्तान सहित सुसंपर्क रखा इच्छुक तालिबान तेज अफगानिस्तान माटी को पाकिस्तान किंवा अन्य केउ देश को भारत किंवा अन्य केउ देश विरुद्ध रे व्यवहार पर दिजनी रोकठोक शुणाई मोहम्मद आबास समेत अन्य तालिबान नेता तालिबान आतंकवादी को व्यवहार कर भारत विरोधी अभियान चलाइबाकु इमरान खान एवं पाक सेना तथा आईएसआई जो स्वप्न देखुले एवं से बड़ झटका लगी एपरिकी पाकिस्तान में सक्रिय थिबा उग्रपंथी गोष्ठी टीटीपी इमरान खान का समस्या से तालिबान मुंड खेलाइबो नाही बोली स्पष्ट करिछि तबे भारत अफगानिस्तान परिस्थिति उपरे संपूर्ण नजर रखा सहित वेट एंड वाच पॉलिसी ग्रहण करिछि सर मोहम्मद आबास भारत में सामरिक तालीम पर अनेक वर्ष बिताइथिबारु भारत सहित सुसंपर्क बढ़ावा को अधिक आग्रही थिबार कहा जाउछि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बढ़ला पाद्री बजिंदर सिंह अड़ुआ अंधविश्वास को प्रोत्साहन देउथिबा अभियोग नाबालक पिला को एथिपाई व्यवहार करा जिबा जुवेनाइल जस्टिस आक्टर उल्लंघन बोली कुहा जाइछि फलरे सात दिन मध्य रिपोर्ट देवा को निर्देश होइछि ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी नहीं बोल सकती थी हालेलुया यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हां बेटे अभी क्या हुआ अभी क्या हुआ बोलने लगे बढ़िला पाद्री बजिंदर सिंह अड़ुआ अंधविश्वास को प्रोत्साहन देउथिबा अभियोग नाबालक पिला को एथिपाई व्यवहार करा जिबा जुवेनाइल जस्टिस आक्टर उल्लंघन मेरा येसुर भाइराल मीम उपरे एनसीपीसीआर रा कार्यानुष्ठान सात दिन मध्यरे रिपोर्ट देवा को देले निर्देश गत किछि दिन तले सोशल मीडिया रे एक मीम भाइराल होइतिला ए मीम रे एक वीडियो थिला जा कोनोसी क्रिश्चियन मिशनरी कार्यक्रम रो भली लागथुला ए वीडियो रे जने पिला कांदु थिबार देखा जाउथिला सेठारे एक व्यक्ति से पिला को पचारे जे तो भौणी पूर्वरु कथा कहि पारुथुला पिलाटी उत्तर ना बोली देउथिला से पिला को पूणी पचारुथिला एबे कहि पारुछि यार उत्तर रे पिलाटी हां बोली उत्तर देउथिला ए उत्तर परे से वीडियो रे बैकग्राउंड संगीत मेरा येशु बाजिबा आरंभ हेउथिला बोलले लगे मीडिया रे प्रचारित होइथबाय वीडियो को राष्ट्रीय शिशु अधिकार संरक्षण कमिशन रो अध्यक्ष प्रियंका कानुनगो संज्ञान नैछंती एनसीपीसीआर पक्षरु कुहा जाइछि जे कमिशन को वीडियो रो एक ट्वीट रे लिंक मिलिछि जेउथरे पादरी बजिंदर सिंह एक नाबालक पिला सहित विचित्र अंधविश्वास रो कारनामा करथुबार देखिबा को मिलिछि वीडियो रे पिलाटी को कांदिबार देखा जाउछि एथरे पिला ओ पादरी उभयंकर बॉडी लैंग्वेज असामान्य थिबा बोली लागुछि अभियोग मिलला परे एनसीपीसीआर मामला को जांच करथिला जांच परे पाइथिला जे वीडियो सोशल मीडिया रे पादरी बजिंदर सिंह नाम रे उपलब्ध रहिछि बजिंदर सिंह हेउछंती चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम रा पादरी ओ एई संस्था चंडीगढ़ रे रहिछि एनसीपीसीआर कहिछि जे प्राथमिक जांच रु जणा पडिछि जे वीडियो अंधविश्वास को प्रोत्साहन देबा को प्रसारित करा जाउछि ओ एथिरे नाबालकों को व्यवहार करा जाइछि या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 रो उल्लंघन कमिशन पीसीआर आक्ट विभिन्न धारे चंडीगढ़ डेपुटी कमिशनर को यह मामलार जांच कर सात दिन मध्य रिपोर्ट प्रदान करने को निर्देश देते उल्लेखनीय जे मिशनरी संस्था मानक द्वारा एपरी कि नुआ कथा नुहे क्रिश्चियन मिशनरी मानक विरुद्ध में विभिन्न चंगाई सभा मध्यम एपरी धर्म प्रचार करार अभोग बारंबार आए डर समनय नंदा ब्यूरो इनपुट अर्गस न्यूज एबे भारत जपुछि रामकृष्ण जेतेबेले भारतीय संस्कृति विरोधी मानकर दबदबा थिला सेतेबेले संस्कृति और परंपरार असम्मान होउथिला मंदिर भगवान को कथा कहिबाकु सही भारतीय संस्कृति विरोधी मानक आगरे साहस पाउनथिला एबे किंतु आमर राम आमर कृष्ण जन्माष्टमी अवसर में मथुरा रे किछि एपरी अभिमत रखिछन्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एबे भारत जपुची रामकृष्ण
जेतेबेले भारतीय संस्कृति विरोधी मानकर दबदबा थिला सेतेबेले संस्कृति और परंपरार असम्मान होतला मंदिर भगवान को कथा कहिबाकु से भारतीय संस्कृति विरोधी मानक आगे साहस पाउनतला एबे किंतु आमर राम आमर कृष्ण राम मंदिर आमर रामलाला आमर एमानकर दर्शन कथा कहिबाकु लोके साहस पाइछन्ति आज जन्माष्टमी अवसर में मथुरा रे किछि एही परि अभिमत रखछन्ति योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। से कहिछन्ति ए सब सेतेबेले संभव होईछि जेतेबेले देश स्वाधीनता पाइबा परे प्रथम थर पई राष्ट्रपति रामलालांको दर्शन करुछन्ति एवं मोदी प्रथम प्रधानमंत्री भावे मध्य रामलालांको दर्शन करुछन्ति देशर सांस्कृतिक इतिहास को जोडिबाकु किपरि चेष्टा करा जाउछि आज से कथा कहिछन्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। योगी आदित्यनाथ को भारतीय संस्कृति प्रति श्रद्धार लंबा पृष्ठभूमि मध्य रही। योगी आदित्यनाथ को गुरु महंत अवैद्यनाथ को राम जन्मभूमि आंदोलन रे बड़ भूमिका रही। गोरखपुर गोरखनाथ मठ को भारतीय संस्कृति सुरक्षार केन्द्र बनाईले महंत अवैद्यनाथ ता शिष्य योगी आदित्यनाथ बारंबार सांसद बनी गोरखपुर एवं मुख्यमंत्री होगापर आलाहाबाद ना बदल प्रयागराज रखिले भारतीय समाज को भारतीय संस्कृति अभिमुखी करने योगी कर बुलेटिन रे समय हुई एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर जारी रहा आ किछ गुरुत्वपूर्ण खबर ब्रेक पर स्वागत। बहुत चर्चित एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्य पर्दा हटाई पारुनी क्राइमब्रांच विधानसभा आरंभ होता बेले विद्या भारती को जेरापी क्राइमब्रांच न जावा अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि। देखिबा एही रिपोर्ट कहीं की विद्या भारती को क्राइमब्रांच करुना ही जेरा कहा निर्देश को अपेक्षा करी तदंतकारी संस्थार मुख्य विक्रम आरोप कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र हाथ में कि रिमोट डीएफ सुरक्षा रखी जंगल मंत्री विक्रम आरोप केवे तदंत परिसर को आसबे जंगल मंत्री बहु चर्चित एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रहस्य पर्दा हटाई पारुनी क्राइमब्रांच विधानसभा आरंभ होता बेले विद्या भारती को जेरापाई क्राइमब्रांच न जावा अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि। शुणंतु पूर्व एने कौन कही क्राइमब्रांच तदंतकारी अफिसर ज्ञान रंजन मिश्र विद्याभारती सर के जेरा जेबे ऑफिस रो जीवा डायरेक्शन होबो ये पसारे मानिला से थिला बोलका जो एसीएफ जो मृत्यु बेले जो स्टेटमेंट नियाव थला मानिला थला ना ना मानिला नी स्टेटमेंट हलो गोला बिरो बेले थारु से बस्ती रेफर हला जाय से मानले से गोदा के बोला ना अगर हि जुल से मानला नी डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा विद्या भारती ओ रोसा विरोध रे लागी छि दफा 302 डीएफओ को जेरा करै छि क्राइम ब्रांच हले पहुंची पारिनी विद्या भारती को पाखरे जहाँ कुने प्रश्न उठाई चंती सम्यक का परिवार लोके पुनी अभिजोग करी चंती जंगल मंत्री विक्रम केसरी आरुक सुरक्षा दे उचंती डीए बंकु यदि विद्या भारती की अरेस्ट कले सरकार बोधे नवीन सरकार भांगी जीव बोधे मुझे भावुची स्त्री केमी दायी हम कौन अरेस्ट करनी नवीन सरकार मुझे किसी बुझीपाली सी धूतराष्ट्र भाया कम कर शहे पुह को मारी धूतराष्ट्र ये से नवीन शहे पुह को मारी मो पु हूँ लास्ट मुझे अभिसंपाद दौर ब्राह्मण 65 वर्षर नवीन सरकार 24 मसीह निश्चित गादीच्युत हम
କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଚେରା କରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା କି ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆଡମିସନରୁ ରେଫରେନ୍ସ ଯାଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ? ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାବନ୍ଦୀ ଲେଖା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାବନ୍ଦୀର ସତ କ'ଣ? କାହିଁକି ଅଚାନକ ବଦଳିଲେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ପିଏସ୍? କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ? ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ବିଜେଡି। ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁରସ୍ଥିତ ଓପିଜିସି କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଳ କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କଲେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ସଭାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଲୋକେ ଭିଟାମାଟି ଜମି ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ତେତେ। ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଔଷଧ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ରାସ୍ତା, ଖକ୍ସି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଔଷଧ। ସରକାରୀ ଔଷଧର ଅପବ୍ୟବହାରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଖକ୍ସି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, କାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଭଳି ଠକାମୀ କାମ କରି ସରକାରୀ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନା ନା, ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତେଣୁ କାଲିକି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇବି, ମେଡିସିନ ଦେଖିବ କୋଉଠୁ ମାନେ ସେ କୋଉଠିକାର ମେଡିସିନ, କେବେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନା। ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିସିନ ନା ଏଏନ୍ଏମ୍ ପାଖରେ ଥିଲା, ତା ଡିଟେଲ ହବ, କାରଣ ସେ ଲୋକାଲ ଏଏନ୍ଏମ୍ କେତେ ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନହେଲେ କେମିତି କହିବା, ତେଣୁ ସେ ମେଡିସିନ ଟା କୋଉଠି ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଲୋକାଲ ଏଏନ୍ଏମ୍ ର ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରିପାରୁନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 2018 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାରି ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ସରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲାନି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିବ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ। 2018 ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କଥା ଉଠିଥିଲା 2019ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନବୀନ ବାବୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶଙ୍କା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେତେ ଦୂର ହୋଇଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଜମି ଗ୍ରହ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇକିରି ନହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଫଳରେ ଏଯାବତ୍ ମୁଠାଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିରୀକୃତ ଜମିରୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଜମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଫୁଲଅଳସା ମୌଜାର 29 ଏକର ଜମି ଏଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଜମିର ମାଲିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଧାରା 19 ମୁତାବକ ଏହି ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ କମିଶନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 29 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ ବକୁଳ ବନ ଥିବା 19 ଏକର 14 ଡିସିମିଲକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି କିଣାଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜମି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ପର କଥା କିନ୍ତୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦୌ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଲା ନାହିଁ ଜମିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରୁଛି ଜବରଦଖଲ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ 3-4 ବର୍ଷ ନେଲେଣି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଆକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ମୃତିକୁ ସରକାର ସାଇତି ରଖିପାରିବେ ତ ନା 2019 ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜମି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2018 ମସିହାରୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ କେବେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସରିଛି ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।